गाइज ओपन वर्ल्ड गेम्स किसे पसंद नहीं है, मेरे को तो बेस्ट लगते हैं क्योंकि उनमें हम कहीं भी जा सकते हैं और कोई भी एरिया एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसलिए ज्यादातर लोगों को ओपन वर्ल्ड गेम्स बहुत ही ज्यादा पसंद आते हैं। वहाँ हमें माउंटेन्स, जंगल्स, सिटीज, विलेजेस, बहुत कुछ एक्सप्लोर करने को मिलता है। तो आज की वीडियो में मैं टॉप 10 बिगेस्ट ओपन वर्ल्ड गेम्स के बारे में बताने वाला हूँ, जिसमें मैंने 10 गेम्स लिए हैं एंड उन्हें रैंक किया उनके मैप के साइज के अकॉर्डिंग। एंड सही बता रहा हूँ, वीडियो के एंड तक आपके होश उड़ जाएंगे कि यार इतने बड़े गेम्स कैसे एग्जिस्ट कर सकते हैं जो आपने शायद कभी ट्राई भी ना करे हो। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। बस स्टार्ट करने से पहले यार लाइक कर दो, अभी तो ये फर्स्ट पार्ट है, लेकिन अगर इस पे 35,000 लाइक्स आ जाते हैं ना वीडियो पे तो मुझे पता लग जाएगा कि ये टॉपिक आपको पसंद है एंड मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी जरूर बनाऊंगा। इस लिस्ट के 10th पोजीशन पे रखते हैं GTA 5 को, क्योंकि इसका एरिया इस पूरी लिस्ट के गेम्स में सबसे कम है, सिर्फ 80 स्क्वायर किलोमीटर। इसके मैप की इंस्पिरेशन ली गई है लॉस एंजलिस एंड सदर्न कैलिफोर्निया से, जहां डेवलपर्स ने माउंटेन्स, स्काईस्क्रेपर्स, फॉरेस्ट, एयरपोर्ट, आर्मी बेस सभी कुछ डाल दिया है। एंड यही डिफरेंस है रॉकस्टार एंड दूसरे डेवलपर्स में, क्योंकि भले ही उसका गेम इस लिस्ट के सबसे बॉटम पे है लेकिन ये बहुत ही डिटेल्ड मैप होते हैं जिसमें बहुत छोटी छोटी डिटेल्स पे भी ध्यान दिया जाता है। और रॉकस्टार गेम्स ओरिजिनल डेवलपर्स में से एक है, ना कि फॉलोअर्स में से। वो दूसरे को फॉलो नहीं करते बल्कि अपनी मर्जी के हिसाब से गेम्स बनाते हैं, जो सही में एक मास्टरपीस होते हैं। ये गेम उनका आज भी हाईएस्ट ग्रोसिंग गेम्स में से एक है, मतलब इसने पैसा खूब कमाया है। इसके मैप में भी मैंने बस लैंडमार्क्स को ही कंसीडर किया है, अगर साइड के वाटर्स को भी कंसीडर कर लो तो इसका एरिया थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। इस लिस्ट में आगे आप देखोगे कि गेम्स कितने बड़े होते जाएंगे। एंड GTA 5 को इसमें इंक्लूड करने का मेरा एक ही मोटिव था कि आप इजीली विजुलाइज कर पाओगे कि दूसरे गेम्स एक्चुअल में कितने बड़े हैं अगर आप उन्हें GTA 5 के मैप से कंपेयर करके देखो। बात करते हैं वर्ल्ड ऑफ टैंक्स की, जो कि एक फ्री ओपन वर्ल्ड गेम है। इसे आप अपने पीसी पर ऑनलाइन खेल सकते हो। इसमें आप एपिक बैटल्स में एंगेज कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर दूसरे प्लेयर्स के साथ। आप एक रियल के टैंक कमांडर बन जाओगे और आपको एनिमी को हराने के लिए स्ट्रेटेजी बनानी होगी, तब आप अटैक करोगे। इसमें 600 ऑथेंटिक टैंक्स है, मतलब टैंक्स को रियल टैंक्स जैसा बनाया गया है, जिसमें डिस्ट्रॉयर्स, आर्टिलरी, लाइट, मीडियम या हैवी टैंक्स भी आते हैं। आप वॉर्स को डेजर्ट्स, फॉरेस्ट, इंडस्ट्रियल जोन्स, ओपन फील्ड्स या ऐसी 40 यूनिक लैंडस्केप्स में लड़ सकते हो। वन ऑफ द बेस्ट रियलिस्टिक टैंक गेम है ये। वैसे तो आप इसे फ्री में खेल सकते हो अपने पीसी पे, लेकिन मेरे पास आपके लिए एक स्पेशल सरप्राइज है। अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पे जाकर रजिस्टर करते हो एंड टैंक टेस्टिक कोड यूज करते हो तो आपको 7 days तक प्रीमियम अकाउंट फ्री में ट्राई करने को मिलेगा। 500 गोल्ड मिलेंगे, टीयर 3 T127 टैंक, उसका गैराज और क्रू भी फ्री में मिलेगा, तो इसे जरूर चेकआउट करना। नेक्स्ट है Assassin's Creed सीरीज का रिसेंटली रिलीज गेम Assassin's Creed Odyssey। एंड ये सीरीज का वन ऑफ द बिगेस्ट मैप्स में से एक है एंड इसका एरिया 235 स्क्वायर किलोमीटर्स का है, साथ ही ग्राफिक्स भी लाजवाब है। गेम खेलते खेलते बस एक जगह बैठ के सुंदर ग्राफिक्स निहारने का मन करता है। ब्लैक फ्लैग की तरह इसमें शिप की मदद से पहले पोनेशियन आइलैंड्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं एंड एथेनियन और स्पार्टन टेरिटरीज के बीच ट्रैवल भी कर सकते हैं। जब लोग सीमा एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं तब उन्हें पता लगता है कि इसका मैप कितना ज्यादा बड़ा है। इवन जो आइलैंड्स मैप के ऊपर बस डॉट की तरह लग रहे थे ना, वो एक्चुअली में बहुत बड़े हैं। इस गेम डीएलसी के साथ कुछ एक्स्ट्रा लोकेशंस भी आई थी, जिसमें प्लेयर्स फिक्शनल लोकेशंस लाइक प्लेन्स ऑफ एलिसियम, एटलांटिस और ग्रेशियन अंडरवर्ल्ड को भी विजिट कर सकते हैं। बस एक कमी है इसमें कि आप स्टार्टिंग से पूरा मैप एक्सप्लोर नहीं कर सकते, आपको पहले गेम में प्रोग्रेस करना पड़ेगा, एरियाज अनलॉक करने पड़ेंगे एंड देन आप पूरा कर पाओगे रीजंस को अनलॉक, जिसके बाद इसकी ट्रू ब्यूटी दिखेगी। वैसे इस गेम को लोगों ने बहुत पसंद किया था और ये 2018 का गेम ऑफ द ईयर के लिए नॉमिनेट भी हुआ था, पर गॉड ऑफ वॉर के सामने कौन ही टिक पाता। Ghost Recon Wildlands टॉम क्लेंसी Ghost Recon सीरीज का पार्ट है एंड जब इसे 2017 में रिलीज किया गया था तब ये यूबीसॉफ्ट का सबसे बड़ा गेम था। इसके मैप का साइज है 272 स्क्वायर किलोमीटर एंड ये कंट्री ऑफ बोलिविया में सेट है। थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक गेम कह सकते हो क्योंकि ये आया 2017 में था, लेकिन इसकी स्टोरी 2019 की थी। इसके ओपन वर्ल्ड में बहुत कुछ है लाइक माउंटेन्स, डेजर्ट्स, फॉरेस्ट, सॉल्ट फ्लैट्स एक्सेट्रा। सबसे अच्छी बात यह कि आप गेम को स्टार्ट करते इसके मैप को एक्सप्लोर कर सकते हो, कोई गेम प्ले में आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। Ghost Recon सीरीज में आप मिलिट्री सोल्जर होते हो एंड आप जो डिसीजन लेते हो उससे गेम अफेक्ट होता है, तो ये थोड़े रियलिस्टिक सोल्जर का एक्सपीरियंस भी देने की कोशिश करता है आपको। इस गेम के शूटिंग मैकेनिक्स, विजुअल्स एंड जो बोलिविया दिखाई गई है ना, उसकी तो बहुत तारीफ की गई थी। ये गेम बहुत ही ज्यादा इमर्सिव था, एक रियलिस्टिक एक्सपीरियंस देता था एंड इसे 2017 में गेम इन्फॉर्मर का बेस्ट कोऑप मल्टीप्लेयर का अवार्ड भी मिला था। बर्नआउट पैराडाइज एक ओपन वर्ल्ड रेसिंग गेम है जिसे EA 2008 में लॉन्च किया था एंड इस गेम को स्पेशली इसके ओपन वर्ल्ड गेम प्ले के लिए प्रेस किया जाता है, क्योंकि प्लेयर्स का कहना है कि इस मैप में जिस तरह स्पीड को एक्सपीरियंस वो करते थे ना, वो पहले किसी गेम में नहीं हुआ। इसके मैप का साइज है 520 स्क्वायर किलोमीटर, मतलब आप देख सकते हो कि मैप के साइजेस कितने बड़े होने लग गए हैं। लोकेशन जो दिखाई गई थी उसका नाम था पैराडाइज सिटी। इसमें हम रेसेस में पार्ट लेकर कार्स को अनलॉक करते थे, उन्हें कस्टमाइज करते थे एंड इस गेम को बनाने का गोल ही बर्नआउट सीरीज को रीइन्वेंट करना था, क्योंकि
इसमें बहुत सारे नेक्स्ट जेन फीचर्स डाले गए लाइक इमर्सिव एनवायरनमेंट एंड डे एंड नाइट साइकिल्स। ये अभी के लिए कुछ खास ना लगे पर 2008 में इन्हें डालना एक अचीवमेंट थी एंड ये अभी भी पिछले 30 सालों के ग्रेटेस्ट आर्केड रेसिंग गेम्स में से एक है इसके स्टाइल की वजह से। इसका एक रिमास्टर्ड वर्जन 2016 में दोबारा रिलीज किया गया था और इसमें आप चाहो तो सिंगल प्लेयर कैंपेन भी खेल सकते हो या फिर ऑनलाइन भी खेल सकते हो। ट्रू क्राइम स्ट्रीट ऑफ एलए एक और पुराना पर गोल्ड गेम है। ये स्टोरी एक पुलिस ऑफिसर की जिसे चाइनाटाउन में हुई बॉम्बिंग्स को इन्वेस्टिगेट करना होता है। ये गेम सेट है लॉस एंजलिस में एंड काफी अच्छे से इसमें रियल लाइफ लोकेशंस को रिक्रिएट किया गया है जैसे कि रियल स्ट्रीट नेम्स हैं, लैंडमार्क्स हैं और हाईवेज भी हैं। इसके पूरे मैप का साइज 620 स्क्वायर किलोमीटर है। हाँ, आप सारी लोकेशन को एक्सेस नहीं कर सकते और बहुत सी लोकेशन तो फिलर के लिए डाली गई है पर फिर भी इसके मैप एंड एटमोसफेयर को लोगों ने बहुत पसंद किया था पर इसे थोड़ा सा क्रिटिसाइज किया गया इसके GTA से सिमिलैरिटी की वजह से। आई मीन लोग इसे GTA क्लोन कहते थे क्योंकि इसने GTA को एग्जैक्ट कॉपी किया था। बस एक चीज में आगे निकल गया एंड वो है मैप, क्योंकि उस टाइम GTA का कोई भी गेम इतना बड़ा मैप नहीं बना पाया पर इसके डेवलपर ने किसी तरह GTA का 5 गुना बड़ा मैप बना दिया, बल्कि इसे तो अंडररेटेड गेम भी कहा जाता है इसकी वजह से। एंड यहाँ से वो गेम्स आते हैं जिन्होंने 100 स्क्वायर किलोमीटर का बैरियर तोड़ दिया, जिसमें बात कर रहे हैं जस्ट कॉज 3 की। इसमें मेडिची नाम की एक फिक्शनल आइलैंड कंट्री दिखाई गई है एंड इसके मैप का साइज 1040 स्क्वायर किलोमीटर है। गेम का प्रोटैगनिस्ट जैसे ही अपने घर लौटता है वो वैसे ही चाहे तो पूरे मैप को एक्सप्लोर कर सकता है स्टार्टिंग से। इसका करेक्टर है रिको रोड्रिगस एंड ये गेम्स बहुत ही पॉपुलर है अपने एक्सक्लूसिव गेम प्ले की वजह से। इसमें 5 अलग बायोम्स हैं जहां प्लेयर्स नेचुरल केव्स, कैवर्न्स एंड बिल्डिंग्स एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप इस मैप का GTA 5 के मैप के साथ कंपैरिजन देख सकते हो। इवन इस गेम को बेचे इसके मैप साइज के बेस पे गया था एंड इसके मिक्स रिव्यूज भी थे। लोगों ने इसके ओपन वर्ल्ड गेम प्ले की बहुत तारीफ की थी पर कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स थे जो लोगों को पसंद नहीं आए। इवन इसका जो मैप साइज था ना वो भी जस्ट कॉज 2 से थोड़ा थोड़ा सिमिलर ही था। अच्छा गाइस, याद रखना कि इस वीडियो के बाद वर्ल्ड ऑफ टैंक्स को चेकआउट कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। बहुत ही अमेजिंग गेम है, वो भी बिल्कुल फ्री एंड मेरे लिंक से आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं। टेस्ट ड्राइव अनलिमिटेड 2 एक ओपन वर्ल्ड रेसिंग गेम है एंड ये अपनी सीरीज का 19th गेम था। इसमें ओहायो एंड न्यू आइलैंड ऑफ इबीजा को दिखाया गया है जिनका साइज 1600 स्क्वायर किलोमीटर है। प्लेयर्स चाहे तो इन आइलैंड्स में ड्राइव कर सकते हैं सोलर क्राउन की खोज के लिए। जैसे जैसे प्लेयर्स बहुत सी रेसेस में कम्पीट करते हैं उनके पास ऑप्शन होता है पैसे इकट्ठे करने का, जिनसे वो कार्स, हाउसेस खरीद सकते हैं या फिर डिफरेंट क्लोथ्स से अपने अवतार को कस्टमाइज भी कर सकते हैं। इसमें डायनेमिक वेदर इफेक्ट्स, डे एंड नाइट साइकिल्स और व्हीकल डैमेज भी हैं और ये बोथ सिंगल प्लेयर एंड मल्टीप्लेयर में अवेलेबल था। इसको मिक्स रिव्यूज मिले थे, सबको इतना पसंद नहीं आया। स्टिल इसका बड़ा मैप एक अट्रैक्शन था और साथ साथ आप हवाई को भी एक्सप्लोर कर सकते थे। अगला गेम भी एक रेसिंग गेम है जिसे यूबीसॉफ्ट रिफ्लेक्शंस ने बनाया है एंड इसमें आपको पूरा यूनाइटेड स्टेट्स देखने को मिल जाता है। पूरा तो नहीं पर यूनाइटेड स्टेट्स को छोटा करके डाला गया है एंड इसका एरिया है 5180 स्क्वायर किलोमीटर्स का। मतलब देख रहे हो आप, हमने 5000 स्क्वायर किलोमीटर्स का मार्क पार कर दिया है। इसमें दोनों सिंगल प्लेयर एंड मल्टीप्लेयर के ऑप्शंस मिल जाते हैं आपको। 5 इसमें रीजन्स हैं, 6 मेन सिटीज और 30 से ज्यादा छोटे टाउन्स। एक कोने से दूसरे कोने तक जाने में आपको 45 मिनट्स तक लग जाते हैं, जिसे आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये कितना बड़ा है एंड ये बहुत हद तक रियल लाइफ जैसा ही है। बस फर्क ये होता है कि आप असलियत में 200 किलोमीटर पर आवर पे गाड़ी नहीं भगा रहे होते। इसका नेक्स्ट पार्ट द क्रू 2 का साइज भी ऑलमोस्ट सेम है, बस उसमें प्लेन भी आ जाता है ट्रैवल करने के लिए तो वो थोड़ा और आसान हो जाता है। द क्रू गेम को मिक्स्ड रिव्यूज मिले थे जिसमें ज्यादातर लोगों ने इसे खरीदा ही इसलिए था ताकि वो देख पाए कि यूबीसॉफ्ट ने सही में इतना बड़ा मैप डाला भी है या फिर वो झूठ बोल रहे हैं, पर यूबीसॉफ्ट ने सही में इतना बड़ा मैप डाला था। नेक्स्ट गेम भी एक रेसिंग गेम है पर इसके मैप का साइज है 14,400 स्क्वायर किलोमीटर, मतलब 10,000 स्क्वायर किलोमीटर का मार्क भी पार कर दिया हमने। स्टार्ट हमने किया था GTA 5 के साथ जिसका साइज था 80 स्क्वायर किलोमीटर एंड यहाँ पे है फ्यूल जिसका साइज है 14,400 स्क्वायर किलोमीटर। अब इसकी सेटिंग थोड़ी अलग है, मतलब है तो ये USA की ही पर अर्थ जो है ना वो सन की वजह से तो लगभग डिस्ट्रॉय हो चुकी है। तो एक पोस्ट एपोकैलिप्टिक गेम है जहाँ एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस मिलेंगी लाइक टोर्नेडोस, सैंडस्टॉर्म एंड कभी कभी दिन रात बहुत जल्दी होगी। सबसे अच्छा फीचर है कि इसका आप कहीं भी जा सकते हो, कोई लिमिटेशन नहीं है, पर हाँ हर जगह का एटमॉस्फेयर एंड वेदर चेंज होता रहता है। इसका मैप इतना बड़ा है कि 2009 में इसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दिया गया था फॉर लार्जेस्ट प्लेएबल एरिया फॉर अ कंसोल गेम। नेक्स्ट गेम है माइनक्राफ्ट, जिसके बारे में तो किसे नहीं पता होगा। इसका एरिया 1.5 बिलियन स्क्वायर माइल्स का है एंड ये लार्जेस्ट लैंड बेस्ड ओपन वर्ल्ड गेम है क्योंकि बाकी सारे स्पेस में चले जाते हैं। फिर इसका एरिया को लेकर भी थोड़ा कंफ्यूजन ही रहता है क्योंकि पता नहीं एग्जैक्टली कितना होगा। मतलब नॉर्स ने इसको कैलकुलेट करने का तरीका तो बताया था जिसमें उन्होंने कहा कि इसमें इतने ब्लॉक्स हैं और हर ब्लॉक की लेंथ इतनी है तो कैलकुलेट कर लो, जिसके बाद इसका एरिया एक्चुअली अर्थ क्या नेपट्यून से भी बड़ा निकल के आया था। तो ये बहुत ही इनसेन है यार। वैसे इससे और भी बहुत सारे बड़े बड़े गेम्स हैं
पर वो यूनिवर्स एंड स्पेस में चले जाते हैं। पर इस वीडियो में मैंने सिर्फ लैंड बेस्ड गेम्स की बात करी है। अगर आपको उन गेम्स के बारे में जानना है तो 7 गेम्स बिगर देन अर्थ वाली वीडियो देख लो। उसके अलावा वर्ल्ड ऑफ टैंक्स को भी चेकआउट करो यार, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस लिंक से आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। बाकी अगर इस वीडियो को पार्ट 2 चाहिए तो 35,000 लाइक्स कर दो और साथ ही चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर दो ऐसी गेमिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।